और अमित का भी चल रहा है ब्रश, फिर से कुटेला पकड़ के जाने लग गई है दान गड़ाई रोज की मेहमान है हमारे घर की। हेलो गाइस, तो नाना जी लेके आए हैं हमारे लिए बहुत सारे आड़ू, कल लेके आए थे, कल अंजलि को ब्लॉगर बना रहे हैं हम। यहाँ पे बन गया है खरगोशों के लिए घर। तो पुराने जमाने में लोग मतलब हमारे यहाँ को तो मूंगफली होती थी ना, जिसके यहाँ मूंगफली आती थी तो मूंगफली खाते थे, पर लेकिन बरसातों के दिन तो ये है पतिदेव की एकदम खुरापाती थी ये, बहुत ही ज्यादा देखो ये खुरापाती करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा अजय बुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, आज भी बच्चों की मतलब हाईलाइट की छुट्टी है। आज मौसम वैसे थोड़ा बहुत हो ही रहा है खराब, कल तो दिन भर धूप ही थी तो फालतू की इनकी छुट्टी हो गई। अंजलि की 5 दिन से छुट्टी है, मतलब एक सेकेंड सैटरडे आ गया था इसका, एक संडे, बाकी 2 दिन पहले हाई अलर्ट की छुट्टी हुई, अब आज और छुट्टी है इसकी। तो मजे आ गए बच्चों के आज फ्री घंटे की छुट्टी, क्योंकि जुलाई के महीने में ऐसा होता है ना कि छुट्टी बहुत कम मिलती है स्कूल में, कुछ त्यौहार वगैरह भी नहीं होते हैं और अगस्त से होते हैं त्यौहार स्टार्ट, तो छुट्टी मिल गई इसको, सही है। जिसे सोए थे नज़र तो लगानी पड़ेगी ना, है तुम्हारी छुट्टी पे क्यों नहीं उठ जाओ, अब कितना सोओगे। तो फाइनली हो चुका है नहाना धोना और अब बनाते हैं नीचे नाश्ता, और आज मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी पतिदेव और देवर जी की बचपन की फ़ोटोज़ और मम्मी पापा की शादी की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने एक दिन देखी थी तो मैं सोच रही थी व्लॉग में दिखाऊंगी, पर उस दिन मैंने पूरी एल्बम निकाली नहीं थी तो मैंने दिखाया नहीं, बट आज नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं आपको पूरी एल्बम दिखाऊंगी, आज उनकी बचपन की फ़ोटोज़ मतलब सबसे छोटे से फिर बड़े 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 होते 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 पूरी वीडियो दिखाऊंगी, मतलब वीडियो में पूरी एल्बम दिखाऊंगी। और अमित का भी चल रहा है ब्रश, ठीक है ये नहाने, पापा की चल रही है टीवी दिखाई, बाकी नाश्ता बनाते हैं। जो मेहंदी कल अमित की चल रही थी वो ये है। तो फाइनली आज आ चुका है मेरा आधार कार्ड, जो कि है दीक्षा बोरा नाम से, और पापा का नाम हट के उसमें लग गया है अज्जू का नाम अजय बोरा, बाकी यहाँ का एड्रेस वगैरह भी लग गया है। फिर से कुटेला पकड़ के जाने लग गई है दान गड़ाई रोज की मेहमान है हमारे घर की और खरगोश देखने जा रही है फिलहाल अभी, तो चलो हम भी मिलाते हैं आपको चिंकी मिंकी और रिंकी से। इतनी ठंड में तुझे खुजली लग रही है, नहा लिया कर। तो नाना जी लेके आए हैं हमारे लिए बहुत सारे आड़ू, कल लेके आए थे, कल हमने रात को ही 2-3 खा लिए थे मम्मी और मैंने, बाकी आज है इतने सारे, इस बार हमने मतलब 6-7 किलो खा दिए होंगे। दरवाजा बंद करो। और कोई नहीं, दरवाजा रहने दो। तो चलो अंजलि आड़ू आड़ू खाते हैं अब मस्त। अभी चलने लग गई है आड़ू अभी, और मैं अंजलि को व्लॉग बनाना सिखा रही हूँ धीरे धीरे, अपनी ननद को भी मैं व्लॉगर बनाने वाली हूँ, जल्दी आईडी मतलब अंजलि की आईडी बनने वाली है। नहीं, 12th पास कर अभी नहीं, नहीं, नहीं। 2 साल बाद क्या पता कॉन्फिडेंट आ गया इस पे तो बना लीजिए व्लॉग। नो यस यस। तुम्हारी होने वाली बीवी की बात चल रही थी अभी कि हम इतनी मेहंदी लगा के तैयार हो गए हैं खरगोशों के लिए पापा जी लेके आए गए हैं पेटी, उन्होंने तोड़ दी थी तो वो पेटी में इधर से उधर कूदते रहते हैं ना, तो 2 पेटी लेके आए उनके लिए। और आईफोन में ऐसा होता है ना मौसम के हिसाब से, कभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है और कभी बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो ये मौसम के हिसाब से आईफोन में ऐसे ही होता है कि कभी अच्छा आता है और कभी काला आता है। खरगोशों के लिए घर, तो जैसे कि आज था हाई अलर्ट, तो आज हाई अलर्ट सही सिद्ध हो गया है क्योंकि आज बारिश आ गई है, तो अब टीचरों को भी लगेगा कि चलो बच्चों की सही छुट्टी हुई, वरना कल धूप थी तो बेफालतू की, मुझे खुद लग रहा था कि इसकी बेफालतू की छुट्टी हो रही है, तो सही छुट्टी है, सही छुट्टी हो रही है आज इसकी, पहली बार लग रहा है मुझे कि सही छुट्टी है। मैं घर पे रहूं। हाँ, मैं नहीं चाहती ये घर पे रहे, मैं चाहती हूँ दिन भर पढ़ते रहे। अंजलि को ब्लॉगर बना रहे हम, यहाँ पे बन गया है खरगोशों के लिए घर, खेलने के लिए उनके। ओहो, मैंने सोचा कुत्ता है, बंदर चले गया। बंदर ही है। खरगोश का घर, उठाओ इनको, कपड़े डालो इनको इनके घर के अंदर, ये चले गया खुद ही। हम बना रहे हैं पहाड़ी दाल भट्ट की चड़कारी,
तो हमारे यहाँ पे काले भट्ट होते हैं, और जो सफ़ेद भट्ट होते हैं उसको भी हमारे गांव में भट्ट ही कहते हैं, पर वैसे बाहर को सोयाबीन कहा जाता है। तो जो सोयाबीन होता है उसी को भट्ट कहते हैं हमारे पहाड़ों में। तो उसकी दाल बनाते हैं, और उसकी दाल कैसे बनाई जाती है आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो पूरे भट्ट हैं तो उसकी बनाएगी पीस के, जो पीस के बनाते हैं उसको भट्ट के डुबके कहते हैं, और ये भट्ट की चटकानी होती है। तो हम बना रहे हैं ये काले भट्ट हैं इनकी दाल, तो इसको डालते हैं तेल में और तेल में इसको फ्राई करते हैं जब तक कि इसके जो छिलके हैं उसके दो पार्ट नहीं हो जाते, तब तक इसको भूनते रहते हैं। और फिर तो हमारे भट्ट आने लगी है चट चट की आवाज़, और जब इसकी चट चट की आवाज़ आती है तो इसके दो पार्ट होने लग जाते हैं, यानी कि ये तेल में अच्छे से भुन जाता है और पक भी जाता है। तो अब इस जो ये भुना हुआ भट्ट है इसको हम निकालेंगे तेल से, और उसके बाद डालेंगे प्याज वगैरह, जैसे पूरी दाल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। कुछ लोग प्याज डालते हैं, कुछ लोग मतलब प्याज के साथ टमाटर प्याज डालते हैं, तो हम प्याज डालेंगे, और प्याज के साथ ही हम डालेंगे आटा गेहूँ का, जिससे उसका गाढ़ापन आएगा थोड़ा। तो पुराने जमाने में लोग मतलब हमारे यहाँ पर तो मूंगफली होती थी ना, जिससे हम मूंगफली होती थी तो मूंगफली खाते थे, पर लेकिन बरसातों के दिनों में लोग ऐसे भट्टे को भून के उसमें मतलब उसके साथ चीनी मिला के या तो सर नमक मिला के लोग खाते थे, जैसे जंगल जाते थे ना गाय बच्चों को चराने के लिए, तो टाइम पास के लिए वहाँ ये भट्टे लेके जाते थे भून के खाने के लिए। लेकिन जो जंगल में भट्ट लेके जाते थे ना खाने के लिए, तो उस भट्ट में जो आग जलाते हैं ना, तो उसकी जो राख नहीं होती है कोयले के साथ लकड़ी की राख बनती है, तो राख मिक्स करके उसमें भुना जाता था इसको, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये तेल के हैं, तेल से ज़्यादा वैसे भुटे हुए भुने हुए अच्छे होते ना, तो हम खाने में तो तेल डालते हैं, तो खाने के लिए ऐसे मतलब दाल बनाने के लिए ऐसे करते हैं, और वैसे जो पहले के लोग करते थे जंगल में खाने के लिए, तो वो राख डाल के भूनते थे इसको, फिर उसके बाद राख छान लेते थे और भट्टे खा लेते थे। तो अब बन गया है मेरा दिन का खाना, और मम्मी अब तक खेत से आई नहीं है, मतलब तो मामी के साथ गोड़ी नहीं है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश में गोड़ रहे हैं, तो मम्मी को बुलाती हूँ अब खाना वगैरह खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है, एक बजने वाले हैं, और हम एक डेढ़ या दो मतलब इसके बीच में खाना खाते हैं, उसके बाद उससे लेट कभी खाना नहीं खाते, जल्दी हो जाता है मतलब हमारा खाना। और सुबह नाश्ता भी हम 8, 9, 9:30 लास्ट इतनी जल्दी खा लेते हैं, और शाम को खाते हैं 9, 9:30 तक। फाइनली बन चुकी है भट्टे की दाल, तो खाना वगैरह हो गया है, और मम्मी को जितनी भी एल्बम मिली तो मैंने मम्मी से मांगी, और अब मैं इसमें से आपको सारी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, मतलब एक दो एल्बम तो मैंने पहले देखी थी तो मुझे पता है कौन मतलब कौन कौन क्या क्या है करके, पर लेकिन थोड़ी बहुत एल्बम जो मम्मी मतलब पहले क्वार्टर में ही रहती थी पापा के साथ, तो वहाँ मतलब पतिदेव और देवर जी भी वहीं रहते थे, तो उनकी बचपन की सारी फ़ोटोज़ वगैरह मतलब छोटे से बड़े होने तक की है, तो दिखाती हूँ आज आपको सारी फ़ोटोज़ वगैरह। तो चलो अब आपको पूरी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाना स्टार्ट करते हैं। पहले से मतलब कैमरे वगैरह उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन मेमोरी के लिए तो वो भी काफ़ी है ना, तो स्टार्टिंग से दिखाती हूँ जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तब से दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जब पतिदेव छोटे थे और देवर जी छोटे थे तब से दिखाती हूँ आगे आगे को, धीरे धीरे वो बड़े होते गए और वो कितने चेंज होते गए वो भी दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से शुरू करते हैं फ़ोटो दिखानी। ये है पापा और मम्मी की शादी की फ़ोटो, इसमें पापा ने अपने घर के बाहर पे गांव वाले घर के बाहर पे फ़ोटो खींची है, और ये फिर उसके बाद ये रास्ते में खींची है रोड के यहाँ पे, ये मामा है शायद, है ना मामा है, और ये रही उसके बाद ये डोली में पकड़ रखा है पापा को, और सारे यहाँ से देख रहे हैं दूल्हे को पहुँच गए, तो पापा पहुंच गए हैं अपने ससुराल शादी लेके, और ये है पहले घूंघट ऐसे डालते थे, तो मम्मी ने घूंघट इतने नीचे डाल रखा है, पहले से दुल्हन का मुंह कम दिखाई देता था, घूंघट ज़्यादा दिखाई देता था। ये सारी फ़ोटो मतलब पापा के किसी दोस्त ने खींची है, जिसमें मतलब रील वाली फ़ोटो होती है, वैसे कैमरामैन नहीं होता है कोई, ये नाना जी हैं और ये नानी है, मुझे अभी भी नाना जी ऐसे ही दिखते हैं और नानी भी ऐसी दिखती है, और ये हैं छोटे वाले मामा जो अभी बहुत बड़े हो गए हैं, और ये ऐसी फ़ोटो खींच रखी है, वो नॉर्मल रील वाले कैमरे से खींची है फ़ोटो, और ये फ़ोटो मम्मी की तब की है जब दूल्हा दुल्हन धारे में मुँह धो के आते हैं उसके बाद कपड़े चेंज करते, तो ये मम्मी की तब की फ़ोटो है, और ये फिर मम्मी ने माइक आके फ़ोटो खींच रखी है, पहले ऐसे ही फ़ोटोशूट वगैरह कराते रहते थे, और ये है मम्मी की बहुत पहले की फ़ोटो जिसमें मम्मी बहुत ही अलग लग रही है।
अब बारी आती है पापा जब आर्मी में थे तब की। तो ये तो अब आती है इस एल्बम की बारी जिसमें है फर्स्ट में पतिदेव की फ़ोटो और मम्मी की फ़ोटो। ये देखो छोटू से, यहाँ पे इनका मुंह जल गया था किसी चीज़ से, तो नहीं कुकर की सीटी से इनका मुंह जला था, मम्मी ने बताया था। और इन्होंने 50 रुपये पकड़ रखे हैं हाथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, इनको मना रखा है। और ये भी वही है जब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये तब की है, तो गोलू मोलू गाल इनके। और ये मम्मी है, और अब ये कौन है, ये मम्मी है, ये मामा जी है, मामा जी की शादी की है। ये है मम्मी की फ़ोटो जब छोटी सी थी, मतलब शादी बचपन जल्दी हो गई थी। और ये है हमारी फैमिली, मतलब ये चाचा लगते हैं, और ये पतिदेव है मेरे, और ये मम्मी, और ये है अमित, और ये मम्मी है। और अब आती है इस पे छिरारी। तो ये है पतिदेव, और जो ताऊजी हैं उनके बेटे हैं सौरभ। तो ये मेरे बड़े वाले देवर हैं, मतलब अमित से बड़े हैं। तो ये है सौरभ, और ये मामी है, ये अंजलि की मम्मी है, ये इनकी शादी की फ़ोटो है। और ये पता नहीं कौन है। और ये है पापा की, आर्मी के टाइम की, पापा जब फुटबॉल खेलते थे तब की है। और ये है मम्मी की फ़ोटो, मम्मी ने जीन्स पे फ़ोटो खींची थी, पहली फ़ोटो है मम्मी की जो जीन्स पे फ़ोटो खींची है मम्मी ने। और ये पापा हैं, और तो ये है अमित, और इतने मोटे से थे गोलू मोलू इसके बाद इनको नज़र लग गई और ये अभी पतले हो गए। ये भी अमित है, ये कैमरा थोड़ा अजीब सा है, तो देखो यहाँ पे इतने गोरे लग रहे हैं और यहाँ पे बेचारे इतने कल्लू लग रहे हैं। तो ये है पतिदेव की, एकदम खुरापाती थी ये बहुत ही ज़्यादा, देखो ये खुरापाती करते हैं, यहाँ पे भी मुँह जल लग है। और ये गाड़ियों के साथ फुटबॉल के साथ ही खेलते रहते थे हमेशा। तो ये तीनों फ़ोटो है, ये है मामा जी की फ़ोटो, ये पापा जी की, और ये है मौसा जी। मौसा जी कुमार रेजिमेंट में, पापा बंगाल इंजीनियर में, और मामा आसाम राइफल में। तो ये हमारे चंडीगढ़ वाले चाचा और चाची है। और ये है फिर से पतिदेव, इनकी चोटी देखो ये यहाँ पे भोलेनाथ की जैसी नारी है। और ये पापा जी हैं। तो ये है मामी और मामा की फ़ोटो, मामी। तो ये मामा जी की शादी की फ़ोटो, इसमें ये अन्नू मौसी है, ये मम्मी है, और ये है रेनू मौसी। तो फिर से पतिदेव की और फ़ोटो आ गई है, ये खुरापाती। और ये देखो मैंने कहा था ना फुटबॉल वगैरह इन सब के साथ ही खेलते रहते थे, यहाँ पे रैकेट भी रखा है और फुटबॉल भी रखा है। और इनकी इतनी फनी सी फ़ोटो है, देखो इतने ऊपर इनका पैंट पहना रखा है। तो यहाँ पे पतिदेव हो चुके हैं थोड़े बड़े और स्कूल जाने लग गए। अमित हर जगह रोते रहते हैं फोटो में, ये देखो यहाँ पे भी रो रहे हैं, पीछे पे पतिदेव खड़े हैं। इतनी सारी फोटोज के बाद आती है फनी फोटोज की बारी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फोटो वगैरह देखी नहीं जाती थी कि कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही, खींचते जाते थे और उसको निकाल भी देते थे। तो अब पतिदेव और देवर जी की कुछ फनी सी फोटोज है, तो वो फनी फोटोज आपको दिखाती हूँ। ये देखो इनकी फनी फोटो, अमित की स्माइल देखो, और यहाँ पे इनका खाना देखो, ये अमित है, ये जैसी वैसी फोटो खींच देते थे पहले। और इसके नीचे है तड़ा और ये पतिदेव की कसम परेड के टाइम की फोटो। अंतर ना पहले की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो में, पहले मतलब फ़ोटो ऐसे निकाल देते थे कुछ भी बिना सोचे समझे, और अभी की फ़ोटो में देखो जो पतिदेव की फ़ोटो है वो 2019 की है, तो 2019 के टाइम की और जब पापा आर्मी में थे उस टाइम की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो गाइज़ ये थी मम्मी पापा पतिदेव और अमित की मेमोरीज़, जो मतलब मम्मी ने मेरे साथ शेयर करी थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। उनके बचपन से लेके बड़े होने तक की सारी फोटोज दिखा रखी हैं आपको। और तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है शाम को, तो हम घूमने तो जा नहीं पाएंगे, तो मैं फिर से बनाने लग गई हूँ पकौड़ियाँ आलू और प्याज की। उस दिन तो रावी और दीक्षा थे हेल्प करने के लिए, लेकिन आज मैं
अकेले बनाऊंगी क्योंकि अंजलि भी चली गई है ट्यूशन को, तो उसके लिए रख दूंगी। और अमित भी खेलने चले गए हैं, तो बारिश में ही खेलने चले गए वो, तो उनके लिए भी रख देते हैं। बाकी हाँ, दूसरे रास्ते जा रहे हैं हड़कंदा पानी भरने के लिए। आज जार भी लेके जा रहे हैं वहीं पानी भरने के लिए। पीछे आ रही है मम्मी और आगे ताई वेट कर रही है। ये है हमारी ताई पीछे। कल रात को मेरे फ़ोन में ना चार्ज खत्म हो गया था, तो मैं व्लॉग अपना एंड नहीं कर पाई। तो ये था मेरा कल का व्लॉग। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।